brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. इस बार बरमरसी समाज ने एक मिशन ठाना है कि मुजफ्फरपुर भी जीत हो, वैशाली जीत, सभी लोग मजबूती से दोनों सीट निकालने के लिए। कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद नामांकन कर चुके हैं और अपने समर्थकों के साथ नामांकन के बाद बाहर निकल कहेंगे। चार सीट में नामांकन मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने दिया हूँ। आज नामांकन सभा में जनसभा उभर गया है, जैसा आप लोगों को पता ही है। मंच पर तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान, उसके बाद जिला के तमाम विधायकगण, मंत्रीगण, पूर्व विधायक, एमएलसी समय देखेगा। अच्छा, एक सवाल है कि मुजफ्फर नेता सभी लोग मंच पर मौजूद थे। अच्छा, एक सवाल है कि जनता का जन सैलाब उभरा पड़ा था, वो सारे लोग को मालूम है, अब पूछो। अच्छा अजय जी, अजय विजय, यानी अजय मतलब अजय निषाद मल्लाओं का साथ और विजय मतलब मुन्ना शुक्ला, तो ऐसे में कितना इफेक्ट होगा वैशाली और मुजफ्फरपुर? इस बार बरमरसी समाज ने एक मिशन ठाना है कि मुजफ्फरपुर भी जीत हो, वैशाली जीत हो, उसमें सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं और सभी लोग मजबूती से दोनों सीट निकालने के लिए। इस बार कोई ऐसा काम जो जीतेंगे तो करेंगे, कोई जो अधूरा रहा होगा 10 वर्षों में? देखिए, काम तो लगातार हम किए हैं, अब जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि अब समीकरण पूरा चेंज हो गया है। अब जो जनता का समीकरण होगा उस पर काम करेंगे। एक एनएच का काम लटका पड़ा है जो बरौनी से मुजफ्फरपुर तक। अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? अस्वस्थ है, वो तो आप देख ही रहे हैं। जनसैलाब तो नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद अपने समर्थक बाहर निकले हैं और अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ हैं। बोले कि इस बार बरमरसियों का भी साथ मिल रहा है तो जीत निश्चित होगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।